कोई कोस भर पर एक पेड़ों का झुंड है, वहां बगले भी उड़ रहे हैं, वहां जल अवश्य होगा। प्रिय नकुल, तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले आओ। जो आज्ञा व्रताशी। ये लो सहदेव। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। पी लिया तो क्या करोगे? पी कर देखो। तनिक तुम जाकर देखो भैया, नकुल को अब तक तो आ जाना चाहिए था। जो आ गया बड़े भैया। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। प्रिय अर्जुन। जी भ्राताश्री। मुझे चिंता हो रही है, तनिक तुम जाके देखो कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। आप चिंता ना करें भ्राताश्री, मैं भी जाके देखता हूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल, किसने मारा मेरे भाइयों को? किसने मारा मेरे भाइयों को? सामने आओ, सामने आओ! इनकी हत्या मैंने की है द्रोण शिष्य अर्जुन। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? ये सरोवर मेरा है और इन दोनों ने मेरे रोकने के पश्चात भी इस सरोवर का जल पीने का अपराध किया है। ये लोग प्यासे थे। प्यासे होने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरे का जल छीन लेने के अधिकारी हो गए। यदि तुम्हें जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई है। जल और पवन पर हर प्राणी का अधिकार होता है, इसलिए मैं इस सरोवर पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही स्वयं जल भी पीऊंगा और साथ ले भी जाऊंगा। यदि तुमने रोकने का प्रयास किया तो एक वान से सुखा दूंगा इस सरोवर को। सुना तुमने? तुम जल नहीं पी सकते अर्जुन। मैं फिर कहता हूँ द्रोण शिष्य अर्जुन, रुक जाओ, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कोई भी ये जल नहीं पी सकता।
प्रिय भीम, अर्जुन अनुजों के साथ नहीं लौटा? मैं अभी देखता हूं बड़े भैया। क्या तुम मेरे भाइयों के हत्यारे हो? हाँ, और यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मेरे जल को हाथ लगाया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। पहले मैं जल पीकर यह सिद्ध करूंगा कि इस जल पे तेरा कोई अधिकार नहीं, फिर तुम्हें इन हत्याओं का दंड दूंगा। सिखाओं का निशान भी तो नहीं, तो क्या इस सरोवर का जल ही विषैला है? ऐसा लगता तो नहीं, परंतु गंधा नरेश शकुनी का क्या ठीक? किंतु इन शरीरों पर विष का कोई प्रभाव भी तो दिखाई नहीं देता। फिर भी जो कुछ है वो है तो इसी सरोवर के जल में। इस सरोवर के जल में अवश्य कुछ ना कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की यह दशा की है। ठहरो, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन हैं? मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की यह दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है?
जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। धर्म क्या तर्क में है? नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ, इसलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के तीन पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे दो भाई जीवित हो सकते हैं, तब तुम किनका नाम लेते? हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों ही से छोटा है। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया भरत श्रेष्ठ। तुम भरत वंश का गौरव हो, तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान यक्ष तो आप हैं नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूं और तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन पांच साधनों पर तुम्हारी प्रीति है, तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत्यु, इन छह दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। पांचाली प्रतीक्षा कर रही होगी, आओ चलें।